गई है कि यहां पर राष्ट्रहित नहीं बल्कि निजी हित को ऊपर रखा जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब बात करेंगे दिल्ली में वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी इंदौर की चंद्रिका दीक्षित और एक महिला से हाथापाई हो गई। पहले वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका की सास किसी व्यक्ति से बहस करती दिखी, इसके बाद चंद्रिका एक महिला से पहले उलझ पड़ी, कुछ देर बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेती हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोग तमाशा देखते रहे तो कुछ लोग नहीं लड़ने की समझाइश देते रहे तो वहीं कुछ लोग इस हाई वोल्टेज लड़ाई का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। इससे पहले चंद्रिका के वड़ा पाव का स्वाद लोगों को खूब भाया था, लोग लंबी लंबी लाइन में लगकर उनका वड़ा पाव खरीदने लगे, हजारों फूड ब्लॉगर उनके ठेले तक पहुंचे और वड़ा पाव का कवरेज करने लगे। यही नहीं, दूर दूर से लोग इसे खाने दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन अब दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल की सड़क पर एक महिला से झड़प हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चंद्रिका उस समय वायरल सनसनी बन गई जब उन्हें दिल्ली नगर निगम के एक प्रतिनिधि के साथ फोन पर रोते हुए देखा गया, जिसने उन्हें स्टॉल हटाने की धमकी दी थी। और अब एक और वीडियो जो है वड़ा पाव गर्ल का वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला के साथ वो हाथापाई करती हुई नजर आ रही है। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जिस वीडियो को मैं देख रही हूँ उसमें भीड़ तो बहुत नजर आ रही है, लेकिन ये विवाद जो है महिला के साथ चंद्रिका का किस बात को लेकर हुआ था, इसको लेकर कोई जानकारी आपको मिल पाई है क्या? देखिए अनन्या, चंद्रिका लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उनको एमसीडी और दिल्ली की पुलिस के कुछ अधिकारी लगातार परेशान कर रहे हैं। वो कह रही है कि 35,000 रुपए वहां जो ठेले लगाते हैं, ये पीतमपुरा के पास जो इनका ठेला है सैनिक विहार में, वहां पर उन्होंने भरे हैं, एमसीडी को दिए हैं, तमाम अधिकारी आए दिन उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और कहते हैं हम फला अधिकारी हैं और हमको पैसे दीजिए तभी आप ठेला लगा पाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ से ठेला हटाना पड़ेगा। तो वो कई बार पुलिस के चक्कर काट चुकी हैं, एमसीडी के चक्कर काट चुकी हैं, उसके बाद लगातार वो सुर्खियों में बनी रहती हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कमेंट होते हैं और कहते हैं कि वो जो है उनका वड़ा पाव बिल्कुल बकवास सा है, लोग उन्हें देखने आते हैं केवल क्योंकि वो दिखने में ठीक है, देखने आते हैं, इस वजह से उनका वड़ा पाव का ठेला चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि वो जब अधिकारी आते हैं और कहते हैं हम ठेला हटा देंगे, तो कहते हैं अगर मेरा ठेला हटाना है आपको तो जितने दिल्ली में ठेले लगे हुए हैं, सड़क के किनारे लगे हुए हैं, उन सबको हटाइए। तब जब इस बार जब अधिकारी आए जो हो हुआ वहां लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपका ठेला हटाएंगे, तो उन्होंने कहा सबका हटाइए, तो वो सबका हटाने लगे, जिसमें आपस में ही झगड़ा होने लगा है लोगों का कि आपकी वजह से मेरा ठेला हटाया गया, आपकी वजह से मेरा ठेला हटाया गया, जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। और ये जो महिला दिखाई दे रही है ये पहले भी चंद्रिका गेरा दीक्षित के साथ उलझ चुकी है, पहले भी ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, इन्हीं महिला का पहले भी वीडियो सामने आ चुका है, अब ये नया ताजा विवाद है। और लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग वहां केवल सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के लिए खड़े हुए थे, वो परेशान दिखाई दे रही है, वो लगातार अपने ब्लॉग सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो ड्रामा करती हैं, नया तमाशा करती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिग बॉस में जाना चाहती हैं, इसलिए लगातार नए विवाद खड़े करती हैं और ताकि उनको बिग बॉस से कॉल आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो वायरल है ही, तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जवाब चंद्रिका गेरा दीक्षित को देना है कि वो लगातार इस तरीके के, लेकिन अभी तक क्या चंद्रिका की तरफ से इस पर कोई जवाब आया है? क्योंकि वड़ा पाव को लेकर तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कुछ खास बात है नहीं वड़ा पाव में, लेकिन वायरल वो शुरू से ही रही हैं और वायरल तो वो तभी से हो गई थी जब रोते हुए एक वीडियो उनका सामने आया था, लेकिन अब इस वाले मामले को लेकर क्या कोई जवाब अभी तक सामने आया है? देखिए, उन्होंने उसी दौरान एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे डाला अपने, उस वीडियो में कैसे दिखाई दे रही है, अरे भाई मैं तो आप लोगों के लिए लड़ रही थी, आप लोग मेरे ऊपर ही निशाना कर रहे हैं। यानी कि वो जो स्ट्रीट ब्लॉगर्स हैं, जो स्ट्रीट पर दुकानें लगाए हुए हैं, वो कह रही है कि मैं तो इन लोगों के लिए लड़ रही थी, ये लोग मुझे ही निशाना बना रहे हैं। वो ये कह रही है, कह रही है कि मैं किस किस को पैसे दूं, लोग रोज आते हैं और मुझे धमका कर चले जाते हैं। और इस बार जब बात उनकी फैमिली पर आ गई, उनकी 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 जो सास है उनसे झगड़ा होने लगा और उनके पति है उनके, वो भी उनसे भी लोग उलझने लगे,
तो काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। अब इसके बाद वो उनका कोई बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन वो लगातार उन्हीं लोगों को कोस रही थी जो वहां पर उनके आसपास दुकानें लगा रहे हैं। वो कह रही मैं तो आपके लिए लड़ रही थी और आप केवल वीडियो बना रहे हैं, मेरी मदद करने कोई भी नहीं आया, सिर्फ लोग दूर से देखते हैं, दूर से बातें बनाते हैं। अब हम मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। जैसे ही मेरी बात होती है मैं इस पर नया अपडेट दूंगा आपको अनन्या। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है सीमा हैदर से जुड़ी। खबर है कि 10 जून को गुलाम